हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, जीएसटी के पोर्टल पे एक और एक नया एडवाइजरी आया है और ये एडवाइजरी अनरजिस्टर्ड डीलर और पर्सन के बारे में बात करता है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर या पर्सन या कंपनी को अगर आप सेल करते हैं तो ऑफ़ कोर्स उसकी जो रिपोर्टिंग है वो जीएसटी के पोर्टल पे हमें करनी होती है, पहले भी कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो ये एडवाइजरी क्या बोलता है हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जीएसटी के पोर्टल पर आप जैसे ही जाएँगे वहाँ पर ये एडवाइजरी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने एडवाइजरी ऑन रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड डीलर इन जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 5। तो जो भी जीएसटीआर 1 को फाइल करते हैं प्लस जीएसटीआर 5 को फाइल करते हैं उनके लिए ये है कि भाई अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर या पर्सन को अगर आप सेल करते हैं तो इसके बारे में ये एडवाइजरी है। आपको 3 सितंबर 2024 को ही इसे जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड किया गया है। वाइड नोटिफिकेशन नंबर इतना, सेंट्रल टैक्स डेट 10 जुलाई 2024। द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस, गवर्नमेंट ने क्या किया है इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत रिड्यूस किया है, तो क्या किया भाई, थ्रेश होल्ड लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाइज मेड टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स फ्रॉम 2.5 लाख टू 1 लाख, है ना, यानी 2.5 लाख का जो कि आपका थ्रेशोल्ड था उसे घटा करके 1 लाख कर दिया गया है। इससे पहले हम लोग जो GSTR1 के टेबल नंबर किसने में यहाँ पर मेंशन कर दिया, टेबल नंबर 5 में हम लोग जो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग किया करते थे 2.5 लाख से ज़्यादा, अगर 2.5 लाख को भी टच कर गया और वो दूसरे राज्य का अनरजिस्टर्ड डीलर या पर्सन है तो हम क्या करते थे कि बिल वाइज डिटेल्स उसका दिया करते थे, राइट, ये आपके लिए कंपलसरी था। लेकिन अब जो उसका वैल्यू है 1 लाख या उससे ज़्यादा का कर दिया गया है, अब 2.5 लाख का लिमिट वो ख़त्म हो गया, ठीक है ना, एडवाइजरी से ये साफ पता चल रहा है। तो कहाँ पे कर रहे थे हम लोग, GSTR1 के टेबल नंबर 5 में। तो वो हमें कहाँ दिखता था, हम लोग जैसे यहाँ पे आते थे लॉगिन करके GSTR1 में तो यहीं पर आपको दिख जाता था B2C लार्ज, राइट, यहीं पर हम लोग जा करके बिल वाइज का डिटेल्स हम लोग दिया करते थे। चलिए, और जो दूसरा कौन है भाई GSTR5, तो वो कहाँ फाइल किया करते थे, टेबल नंबर 6 में उन्होंने मेंशन यहां पे कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं और आगे, इन अकॉर्डेंस विथ द न्यू लीगल प्रोविजंस दिस चेंजेस इज करंटली अंडर डेवलपमेंट ऑन द पोर्टल एंड वुड बी अवेलेबल टू द टैक्स पेयर्स शॉर्टली। ये जो आपका न्यू लीगल प्रोविजंस है अभी ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही जल्द आपको जीएसटी के पोर्टल पे आपको लाइव दिखेगा, क्योंकि अभी क्या ना अंडर प्रोसेस है, अभी GSTN वाले से क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, अरे भाई जीएसटी के पोर्टल पे कर रहे हैं। जैसे ही इनका काम कंप्लीट होगा वैसे ही ये जीएसटी के पोर्टल पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये इन्होंने बताया कि फर्दर आपको क्या करना है कि जब तक ये पूरा काम जीएसटी के पोर्टल पे कंप्लीट नहीं हो जाता है, जैसे कि पहले चल रहा था, आपको अभी फिलहाल रिपोर्टिंग वैसे ही करनी है, ठीक है, यानी कि जो 2.5 लाख और उससे ज़्यादा का रिपोर्टिंग बिल वाइज आप B2CL वाले कॉलम में दे रहे थे अगर आप GSTR1 को फाइल कर रहे थे, राइट, आपको वैसे ही देना, लेकिन जैसे ही ये आपका काम पूरा हो जाएगा आपके GST के पोर्टल पे ये आपका लाइव हो जाएगा तो फिर आपको 2.5 लाख की जगह पे 1 लाख या उससे ज़्यादा का लिमिट पकड़ना होगा, यानी कि 1 लाख या उससे ज़्यादा का जितना भी इंटर स्टेट वाला अनरजिस्टर्ड डीलर या पर्सन है जिसको कि आपने माल को सेल किया है तो हर हाल में बिल वाइज का डिटेल्स आपको
GSTR 1 के टेबल नंबर 5 में देना होगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था, आई होप कि इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप टैली, GST, TDS, TCS, इनकम टैक्स, पेरोल और भी बहुत कुछ अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।